हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। आज हम लोग एक ब्रेक लेंगे अपने शक्तिशाली भारत पावरफुल नेशन वाली सीरीज से, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो कि शुरू हुई फ्राइडे को, उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ये बात करेंगे हम जो एक रशिया में एक विद्रोह की जो बात हुई है उसके बारे में। तो क्या हुआ है ये? 24 जून के दिन येवगेनी प्रिगोजिन, जो कि चीफ हैं वेगनर ग्रुप के, जो कि रशिया में एक मर्सनरी ग्रुप को चलाते हैं, एक कंपनी को चलाते हैं, और उन्होंने एक तरह से एक युद्ध छेड़ दिया रशियन मिलिट्री के ऊपर, और जो रशिया का क्लेम है उसके हिसाब से उनके देश के ऊपर। तो उन्होंने उस दौरान एक वहाँ की जो सदर्न सिटी है रोस्तोव ऑन डॉन, उसको टेक ओवर कर लिया, और रोस्तोव ऑन जो है वो उनका सदर्न मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर भी है वहाँ पे। पुतिन ने इमीडिएटली इसको एक धोखा, एक राजद्रोह बताया, एक कू बताया, और इसको उन्होंने इक्वेट किया 1917 का जो वहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन में जो रशिया जिस बुरी तरह से उनकी हार हुई थी, और उसके साथ साथ ही वहाँ पे जो विद्रोह हुआ था उसके बाद यूएसएसआर बना था, जिसको वो रेवोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि सैटरडे को प्रिगोजिन, इनकी फोर्सेस थी, वो मार्च करने लगी रशिया की कैपिटल मॉस्को की तरफ, और एक बहुत ही भयंकर जो घटना होने वाली थी वो किसी तरह से रुकी है, उसके बारे में हम पूरी तरह से बात करते हैं। हुआ क्या था, ये शुरू कैसे हुआ था? हुआ इस तरह से था कि प्रिगोजिन जो थे उन्होंने आरोप लगाया था कि रशियन फोर्सेस ने, जब प्रिगोजिन की फोर्सेस उनके लिए फाइट कर रही थी यूक्रेन के अगेंस्ट, उनके कैंप पे अटैक किया है रशियन फोर्सेस ने और उनके सैनिक मर गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम 25,000 सेना के को लीड करते हैं, कमांड करते हैं, और उनका जो हमारे सैनिक मरे हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने रशिया के जो लीडरशिप को धमकी दी कि हम मॉस्को की तरफ आ रहे हैं, और जो एक किसी भी देश की कैपिटल की तरफ अगर आप जा रहे हैं एक मिलिट्री कॉलम को लेके, एक इतनी बड़ी मिलिट्री को लेके जिसमें वो कह रहे हैं 25,000 लोग हैं, तो उसको एक तख्ता पलट कहना होगा, एक कू कहना होगा, लेकिन उसको उन्होंने नाम दिया मार्च ऑफ जस्टिस। उन्होंने इस दौरान, जैसे मैंने आपको बताया कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जितनी भी थी रोस्तोव रीजन में, उनका सदर्न मिलिट्री कमांड था, उसको पूरा टेक ओवर कर दिया, और उन्होंने डिमांड की कि जो रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको, जिनका नाम है सर्गे शाइगु, उनको उन्होंने कहा कि रिमूव किया जाए। साथ साथ ही उन्होंने जनरल वेलरी जेरासिमोव, जो कि वहाँ के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनको कहा कि रिमूव किया जाए। प्रिगोजिन ब्लेम करते हैं कि जो यूक्रेन में जो रशिया का फेलियर रहा है वो ये इन दोनों के कारण और कुछ और मिलिट्री लीडरशिप के कारण रहा है। उसी शाम रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने एड्रेस किया अपने नेशन को। उन्होंने बताया कि ये जो जानबूझकर देशद्रोह करते हैं, सहस्त्र विद्रोह करते हैं, उन्हें दंड मिलेगा। तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि ये ट्रीजन है, ये एक देशद्रोह है,
और हम इनको नहीं छोड़ेंगे। प्रिगोजिन जो थे वो अपने टेलीग्राम चैनल पे आए और उन्होंने कहा कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो गलत सोच रहे हैं, हम ना तो डरेंगे और ना ही आत्मसमर्पण करेंगे, हम मॉस्को आ रहे हैं। इस बात को लेके रशिया की कैपिटल मॉस्को में वहां पे हड़कंप मच गया। रशियन मिलिट्री और वहां की लीडरशिप ने इस धमकी को लाइटली नहीं लिया और वहां पे पूरी मिलिट्री प्रिपरेशन शुरू हो गई। वहां पे जो मंडे है और उसको उन्होंने वहां पे नॉन वर्किंग डे, सोमवार को नॉन वर्किंग डे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। रशियन जो फोर्सेस थी वो हाईवे पे आ गई, जो कि हाईवे आप मैप में देखें ये ज्वाइन करता है सदर्न सिटी को मॉस्को के साथ। तो रोस्तोव और मॉस्को का जो हाईवे था उस पे ये फोर्सेस आके उन्होंने उसको टेक ओवर करा। तो ये हैं कौन? ये प्रिगोजिन जो हैं जिन्होंने एक छोटी सी 25,000 की फोर्स को लेके रशियन अंपायर को हिला दिया। रशिया जो कि नंबर 2 है वर्ल्ड में मिलिट्री पावर, एक समय में सुपर पावर रहने वाला देश, उसको हिला दिया। तो प्रिगोजिन जो थे ये इन्होंने 1990 में एक हॉट डॉग स्टॉल शुरू किया था। रशिया का एक बहुत ही सुंदर शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पे उनका एक बहुत ही धमाकेदार राइज हुआ, बहुत आगे बढ़े और 1990 में हॉट डॉग स्टॉल शुरू किया था और 1995 तक उनके पास एक रेस्टोरेंट था, चेन चल रही थी, लग्जूरियस रेस्टोरेंट चल रहे थे उनके। और उस समय प्यूटिन जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं थे रशिया के, वो उनको वहाँ पे उनके रेस्टोरेंट में आते थे और मिले। इसके बाद उनका राइज जो था कंटिन्यू रहा प्रिगोजिन का, और उनको क्रेमलिन का जो केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिले जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत ही ल्यूक्रेटिव थे। लेकिन स्म्यूटोरिक राइज जो कहेंगे, एक बहुत ही बड़ा जो उनका एक राइज कहेंगे, वो आया 2014 में जब इनको मिलिट्री ऑपरेशंस यूक्रेन के अगेंस्ट जो किए गए थे डोनबास में रीजन में, वहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट प्रिगोजिन को मिला और इनकी वैगनर कंपनी को मिला। इसके साथ ही उन्होंने रशिया के लिए काम किया है और उन्होंने, उनकी कंपनी ने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, सूडान में, लीबिया में, मोजाम्बिक में और सीरिया में। प्रिगोजिन जो थे ये हमेशा से ही रशियन लीडरशिप के अगेंस्ट थे, उनको अपोज करते थे, उनके बारे में बातें करते थे कि ये बहुत ही ढीली लीडरशिप है। मतलब अगर आप रशियन मिलिट्री को लिया जाए देखें तो वो काफ़ी क्रूर माने जाते हैं, क्रूएल माने जाते हैं और कोई भी दया भाव उनमें नहीं है। लेकिन प्रिगोजिन जो थे वो उनसे भी ज़्यादा क्रूर थे, वो उन रशियन मिलिट्री को भी मानते थे कि ये अपनी पूरी ताकत दिखाने में सक्षम नहीं है। और इनका सबसे जो बड़ा मतभेद जो सामने आया वो बाखमुत बैटल जो यूक्रेन में हो रही थी वहाँ पे आया, जब उन्होंने रशियन लीडरशिप को अगेन फिर से कहा कि बहुत ही पुअर लीडरशिप है ये, ना हमें आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं ना एम्युनिशन सप्लाई कर रहे हैं और हमारे को अपने ऑपरेशंस में मुश्किल आ रही है। तो अब क्या हुआ? अब हुआ ये है कि जो प्रिगोजिन का जो मोर्चा निकला था मॉस्को की तरफ वो रुक गया है। जी हाँ, इसका श्रेय लिया है बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने इसका श्रेय लिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने इनका समझौता करा दिया है प्यूटिन के साथ और अब हम इनको
बेलारूस में लेके जाएंगे। तो जो ओसेंट टॉप रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जो सैटेलाइट के थ्रू रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उससे इस बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है कि ये बात सही है। उनका एक काफिला रुक गया है 200 किलोमीटर पहले मॉस्को से, और उसके बाद बेलारूस की तरफ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। साथ साथ ही ये भी जानकारी नहीं है कि डिटेल में क्या समझौता हुआ है। जो वहाँ के प्रवक्ता, जो स्पोक्स पर्सन आए थे रशियन, उन्होंने बस इतना कहा है कि प्रेसिडेंट ने इन सबको माफ़ कर दिया है और उनको कहा है कि आप जाके बेलारूस में जाके शरण ले लीजिए। अब इसमें दो पहलू हैं पुतिन की तरफ से, कि ना तो वो अपने डिफेंस मिनिस्टर को फायर कर सकते थे, उनको हटा सकते थे, ना ही चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल जेरासिमोव को हटा सकते थे, क्योंकि इन दोनों में उनकी वीकनेस झलकती। साथ साथ ही वो प्रिगोजिन को भी माफ नहीं कर सकते थे पब्लिकली, और उनको वापस रशिया में रहने नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने उनको ऑलरेडी एक देशद्रोही करार दे दिया था। तो ये दो मुद्दे प्यूटिन की तरफ से आते हैं। इसमें ये हो सकता है कि प्यूटिन उनको अफ्रीका भेज दें, और जहाँ पे उनके ऑपरेशंस चल रहे थे, जो मैंने बहुत सारे कंट्रीज आपको देश बताए, उनमें वो उनको और कुछ ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स दे दें। लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्रिगोजिन को ये समझौता करना ही था, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ के कदम उठा लिए थे, तो उन्होंने क्यों उठाए थे? वो बहुत समय से प्यूटिन के साथ काम कर रहे थे, उनको रशियन मिलिट्री के बारे में सब कुछ पता था। तो ये ऐसे कैसे हो गया कि एकदम से ही उन्होंने विद्रोह किया, एकदम से ही समझौता कर लिया? तो इसमें कुछ दाल में कुछ काला नजर आता है। तो जो मेरा एनालिसिस है, पहला तो एनालिसिस ये है कि प्रिगोजिन को जो था, या तो किसी वेस्टर्न पावर ने खरीद लिया था, क्योंकि प्रिगोजिन क्या है, 1 बिलियन के मालिक हैं, ओके, उनका जो वर्थ है वो 1 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर है। तो अगर उनको बहुत बड़ी राशि जो है उनको ऑफर की गई है, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर किया गया है बाय सम वेस्टर्न फोर्स, तो हो सकता है वो उस पर डोल गए। अब चाल ये रही होगी कि इनको यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर से हटाया जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सफल थे कंपेयर टू जो रशियन मिलिट्री है, और इनको कहा होगा कि आप उनको डराएं, रशिया के कैपिटल की तरफ बढ़ें और बीच में समझौता कर लें और बेलारूस चले जाएं, उसके बाद अपने पैसे कलेक्ट करें हमसे और मज़े करें। ये एक विन विन सिचुएशन हो जाती है यूक्रेन के लिए और वेस्टर्न फोर्सेस के लिए। और ये भी हो सकता है कि दूसरी जो संभावना है कि प्यूटिन खुद ही मिले हुए हों प्रिगोजिन से, और उन्होंने उनको कहा हो कि ये आप ऐसा एक कुछ ड्रामा करिए, नाटक करिए, और इसमें आप वहाँ से विड्रॉ करिए। क्यों विड्रॉ करिए? क्योंकि हो सकता है वो उनको चाहते हों कि वो बेलारूस जाएं और एक वहाँ से नया फ्रंट खोलें। अगर ओपनली वो प्रिगोजिन के ग्रुप को विड्रॉ करते और बेलारूस में पोजीशन करते उनकी, और एकदम से ये बात खुल के सबके सामने आ जाती, छुपी नहीं रहती। लेकिन इसमें क्योंकि वो देशद्रोही करार कर दिए गए, इसलिए हो सकता है इसकी एक संभावना हो कि ये भी एक कारण है, जिसका मुझे काफ़ी कम अनुमान लगता है कि ऐसा होगा, कि ये ऐसा होगा। इसमें साथ साथ ही भारत की भी बात लूंगा मैं, कि अगर ये कैओस रशिया में बढ़ जाता और रशिया में गृह युद्ध छिड़ जाता, ओके, सिविल वॉर हो जाती और साथ साथ कू हो जाता, तो रशिया से भारत के पास अभी भी बहुत सारे हथियार हैं। हमारे S-400 की डिलीवरीज अभी ख़त्म नहीं हुई है, और साथ साथ ही बहुत से स्पेयर पार्ट्स हमारे पास वहाँ से आते हैं, और रिसेंटली हमने उनसे बहुत सारा ऑयल लेना शुरू कर दिया है।
तो ये सब चीज़ें जो हैं भारत की प्रगति को, भारत की इकोनॉमी को बहुत ही धक्का देती, साथ साथ ही हमारी जो डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस है इसको बहुत बहुत चोट पहुंचती। तो ये एक समरी आपको मैंने दी है आज के इस छोटे से कैप्सूल में। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना पावरफुल नेशन वाला सीरीज़। थैंक यू सो मच, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ कमांडर संदीप धवन।